दिस मी फैजान, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं बसेस के हवाले से वीडियो बनाता हूँ, डिफरेंट ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन कंटेंट लाता हूँ, तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको दिखा सकूँ जो पाकिस्तान में आजकल ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक अपडेटेड न्यूज़ है वो आपको देनी थी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी टैक्सेस लगा दिए थे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर और जो टूल टैक्सेस हैं वो काफ़ी बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो ऑल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है उन्होंने फैसला किया कि हड़ताल की जाए, स्ट्राइक की जाए। तो ये बसेज आप मेरे से देख सकते हैं, ये कोहिस्तान का फैसलाबाद का बस टर्मिनल है जो कि GTS, ये इधर इतना रश होता है नॉर्मल डेज़ में, इस टाइम इतना रश होता है कि मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती, इस टाइम ये बिल्कुल सुनसान है। उसकी वजह ये है कि मतलब सब शहरों के लिए सर्विस बंद कर दी गई है, चाहे वो मुल्तान हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कहीं भी आपने जाना हो, फिलहाल सब बसेस खड़ी हुई हैं। कुछ लोकल कंपनीज हैं बस वो चल रही हैं, वरना जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फैसल मोहर, डाइवो, ये जितनी जो भी कंपनीज हैं वो फिलहाल बंद कर दी गई हैं। और ये गवर्नमेंट से मतलब कि मुदाकरात होंगे तभी ऑन होंगी। आपने लाहौर का जो न्याजी अड्डा है, दिन कराची का सुहरावपुर बस टर्मिनल, पिंडी, फैजाबाद, हर जगह मतलब जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी गई है, कोई भी बस सर्विस नहीं चल रही। तो ये आप लोगों के लिए अपडेट है कि अगर आप लोग मतलब कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं तो पहले मतलब इस चीज़ का जायज़ा लें, देन आप ट्रैवल करें, क्योंकि कुछ भी ऑन नहीं है। जैसे मेरे भैया आप देख सकते हैं, वो लाहौर की बस है, ये दिल्ली की बस है, वो कोलकाता की बस खड़ी हुई है, जिस साइड कराची की बसें हैं, सब बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और ये टर्मिनल इस टाइम बसों से बड़ा बड़ा है, क्योंकि कोई भी बस जा नहीं रही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर मतलब कोई एक्शन ले, इस पर ट्रांसपोर्टर्स बेचारे भी मजबूर हैं, क्योंकि इतने मतलब पहले ही पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लॉस में जा रही थी काफ़ी बस। तो उन्होंने कुछ किराए तो बढ़ाए थे जिसके बाद मतलब वो थोड़ा सा उसको सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन अब टूल टैक्सेस और इनकम टैक्सेस जब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, वो किराए भी मज़ीद नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आवाम इतना पे नहीं करती। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक्शन लेगी तो ही मतलब फेस में होगा। मैंने भी नए व्लॉग्स बनाने जाना था, लेकिन मैं इसी वजह से अभी यहाँ पर फैसलाबाद में रुका हूँ, कि जब ये ट्रांसपोर्ट ओपन होगी फिर हम जाएंगे। तो ये अपडेट थी, आई थॉट कि आप वो अपने व्यूवर्स को अपडेट करें। यहाँ पे ना जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोकल कंपनीज़ हैं वो ही चल रही हैं, बाकी जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो सब कुछ बंद है। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ हाइयर चल रही हैं, कोस्टर्स जा रही हैं, कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, बाकी सब कुछ बंद है। तो अगर आपको कोई एमरजेंसी हो, आपने ट्रैवल करना हो, लास्ट ऑप्शन आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये अवेलेबल है।